1966 में राजेश खन्ना जी की पहली मूवी आई आखिरी खत, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1967 में इनकी दूसरी मूवी आई राज, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई औरत, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बहारों के सपने, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। राजेश खन्ना जी की स्टार्टिंग की 4 फिल्में लगातार फ्लॉप रही। इसके बाद 1969 में इनकी मूवी आई बंधन, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई आराधना, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है इत्तफाक, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आती है दो रास्ते, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी कमाल की थी। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आती है डोली, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1970 में इनकी मूवी आती है द ट्रेन, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है सच्चा झूठा, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। 1964 में इनकी मूवी आई आन मिलाओ सजना, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई सफर, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई खामोशी, और दोस्तों ये एक एवरेज मूवी रही। 1971 में राजेश खन्ना जी की मूवी आती है कटी पतंग, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई महबूब की मेहंदी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आनंद, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंदाज, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हाथी मेरे साथी, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे इस मूवी को मैंने कई बार देखा है दोस्तों, ये मेरी फेवरेट मूवी है। वैसे इस मूवी को किस किसने देखा है जल्दी से बताइए। इसी साल इनकी मूवी आई छोटी बहू, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई मर्यादा, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई बदनाम फरिश्ते, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। जब कोई बदनाम करता है तो जाहिर सी बात है आदमी फ्लॉप हो जाता है। 1972 में इनकी मूवी आई दुश्मन, और दोस्तों ये एक सुपर हिट मूवी थी। इसी साल इनकी मूवी आई अमर प्रेम, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई बावर्ची, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जोरू का गुलाम, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। वैसे जोरू का गुलाम बनके रहना आम बात है। इसी साल इनकी मूवी आई अनुराग, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई सहजादा, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आई मेरे जीवन साथी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी, मगर ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है मालिक, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है दिल दौलत और दुनिया, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है अपना देश, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1973 में इनकी मूवी आती है राजा रानी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आती है दाग, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है नमक हराम, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1974 में इनकी मूवी आती है आपकी कसम, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आती है प्रेम नगर, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अजनबी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आई आविष्कार, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रोटी, और दोस्तों ये एक सुपर हिट मूवी थी। वैसे इस मूवी को मैंने कई बार देखा है क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद इनकी मूवी आई हम सकल, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1975 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई प्रेम कहानी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजेश खन्ना जी एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में लगातार 17 फिल्में हिट दी हैं। इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 1976 में इनकी मूवी आती है महबूबा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है महाचोर, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है बंडलबाज, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1977 में इनकी मूवी आती है त्याग, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है छैला बाबू, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है कर्म, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है चलता पुर्जा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है पलकों की छाओ में, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है आशिक हूँ बहारों का, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है अनुरोध, और दोस्तों ये मूवी भी हिट रहती है। 1978 में इनकी मूवी आती है भोला भाला, और ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है नौकरी, और दोस्तों
दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है चमत्कार और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है चक्रव्यूह और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। 1979 में इनकी मूवी आती है प्रेम बंधन और दोस्तों ये मूवी हिट रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है जनता हवलदार और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है अमरदीप और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। 1980 में राजेश खन्ना जी की मूवी आती है थोड़ी सी बेवफाई और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रहती है क्योंकि इस मूवी में थोड़ी सी बेवफाई होती है। इसी साल इनकी मूवी आती है रेड रोज और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है फिर वही रात और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है आंचल और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है बंदिश और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। 1981 में राजेश खन्ना जी की मूवी आती है दुश्मन दोस्त और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है कुदरत और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रहती है। 1981 में इनकी मूवी आती है धनवान और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है दर्द और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है 50-50 और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रहती है। 1982 में इनकी मूवी आती है राजपूत और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है अशांति और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है दिले नादान और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आती है धर्म काटा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। वैसे इस मूवी को किस किस ने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आती है जानवर और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। 1983 में इनकी मूवी आती है निशान और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है अवतार और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है सौतन और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है अगर तुम ना होते और दोस्तों ये मूवी हिट रहती है। 1984 में इनकी मूवी आती है आज का MLA और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आती है मकसद और दोस्तों ये मूवी हिट रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है आशा ज्योति और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रहती है। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है धर्म और कानून, दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है नया कदम और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है आवाज और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है पापी पेट का सवाल और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही। 1985 में राजेश खन्ना जी की मूवी आती है जमाना और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई हम दोनों और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आती है बाएं हाथ का खेल और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आती है मास्टर जी और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। देख रहे हो राजेश खन्ना जी को कैसे चिपके हुए हैं। इसके बाद इनकी मूवी आई बेवफाई और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई दुर्गा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई आखिर क्यों और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अलग अलग और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई बाबू और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ऊंचे लोग और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आई इंसाफ मैं करूंगा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आवारा बाप और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। जब दोस्तों बाप आवारा होगा तो बच्चों का क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1986 में इनकी मूवी आई अमृत और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल राजेश खन्ना जी की मूवी आई नसीहत और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अनोखा रिश्ता और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वापसी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शत्रु और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ओम और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई अंगारे और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अधिकार और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द होने लगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी जानकारी मिले एक ही वीडियो में मिल जाए। 1987 में इनकी मूवी आई नजराना और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई आवाम और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गोरा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1988 में इनकी मूवी आई विजय और दोस्तों
ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई वह फिर आएगी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो गई। 1989 में इनकी मूवी आई घर का चिराग और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1990 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई स्वर्ग और दोस्तों ये मूवी हिट रही। दोस्तों स्वर्ग मूवी मेरी फेवरेट मूवी है और इस मूवी को मैंने कई बार देखा है। वैसे आपने इस मूवी को देखा है या नहीं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1991 में इनकी मूवी आई बेगुनाह और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई ₹10 करोड़ और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घर परिवार और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1994 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई खुदाई। दोस्तों इस साल से राजेश खन्ना जी के जीवन में नसुड लग गया क्योंकि इसके बाद इनकी कोई भी फिल्म नहीं चली और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1996 में इनकी मूवी आई सौतेला भाई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1999 में इनकी मूवी आई आ अब लौट चले और दोस्तों ये मूवी अब वो एवरेज रही। 2001 में इनकी मूवी आई प्यार जिंदगी है और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2002 में इनकी मूवी आई क्या दिल ने कहा और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2005 में इनकी मूवी आई तुम मेरे हो और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2006 में इनकी मूवी आई हेलो कौन और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2008 में इनकी मूवी आई वफा और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2009 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई काश मेरे होते और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। दोस्तों वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं इन फिल्मों में राजेश खन्ना जी ने अब एवरेज दिया है। 2010 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई दो दिलों के खेल में और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2014 में इनकी मूवी आई रियासत और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। राजेश खन्ना जी की ये मूवी आखिरी मूवी थी। तो दोस्तों ये था राजेश खन्ना जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।